हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर सिक्स है और एक्सरसाइज 33 है। तो ये इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू निकालना है, ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ लिखा हुआ होने का मतलब है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाएगा और उसको जो कटेगा, उसके काटने के बाद जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे ले लेते हैं वन नंबर और यहाँ पे दिया हुआ है 3/4, ऑफ दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट मैं इसको बना देता हूँ, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई रख देता हूँ और यहाँ 16 रख देता हूँ। फिर ये कट जाएगा, ये कट रहा है, ये बीच में है, बीच का मतलब है कि ये ऊपर में है। यहाँ बाय वन लिख सकते हैं लेकिन ऐसे रहने देते हैं। 4 4 = 16 होता है, इससे कट जा रहा है, 4 4 = 16, ये 4 से कट गया, नीचे में 1 बच गया तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 = 12 हो गया, ये 12, तो ये 12 ही इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया टू नंबर, यहाँ पे इसको लेते हैं 1/2, ऑफ तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे 28 कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 से 28 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 14 2 = 28 होता है, ये 14 बार में कट गया, 1 4 14, तो 14 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 14 का 14 ही रहेगा, ये 14 और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। उसके बाद 3 नंबर लेते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे है 7/10 × 30, ये हो गया, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे 10 3 = 30 होता है, इसको 0 0 से काट देते हैं, नीचे में 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 3 = 21, तो यहाँ पे 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं होता है, ये फिर उसकी लिखने की आवश्यकता उसका नहीं होता है। यहाँ पे 7 3 = 21 हो गया, 21 ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ 5/6 लिखते हैं, मल्टीप्लाई देते हैं 180, तो यहाँ पे इससे ये कट रहा है, इतना बड़ा नंबर है लेकिन फिर भी ये कट रहा है। किस तरह से कट रहा है, तो 6 3 = 18 हो गया, इस तरह से काटते हैं, 6 3 = 18 और ये 0 इस पर आ गया, ये कट गया, 30 बार में कट गया, तो ये मल्टीप्लाई होगा 30 × 5, तो 5 3 = 15 हो गया, 15 और ये 0 0 रह गया, इस पर 1 0 लगा दिए, ये हो गया इसका आंसर। 5 2/9 × 81, तो यहाँ भी कट रहा है, देख रहे हैं 9 9 = 81 होता है, इसको काट देते हैं, 9 9 = 81, तो नीचे में कुछ नहीं बचा, 9 2 = 18, यहाँ पे 18 लिख देते हैं, ये इसका आंसर हो गया। और 6 लेते हैं, 6 7/13 × 156, तो क्या ये कट रहा है, 13 से यहाँ पे देखते हैं, 13 से 1 बार में लेते हैं, यहाँ 13 निकल गया, तो यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया, 13 2 = 26 होता है, इसका मतलब है कि ये कट रहा है, तो 13 से काट लेते हैं, 13 1 = 13 हो गया और 13 2 = 26, ये इतना हो गया। तो 12 का टेबल 7 बार पढ़ते हैं, 12 7 = 84 होता है, इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा 84, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे दिया हुआ है 3/5 और यहाँ पे इंटू लगा देते हैं ऑफ में, यहाँ पे 155, तो क्या ये 5 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 3 = 15 हो गया और 5 1 = 5, मतलब ये कट रहा है, 5 3 = 15 और 5 1 = 5, इतने बार में ये कट रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई पर करने से क्या आएगा, तो 3 1 = 3 हो गया, 3 1 = 3 और 3 3 = 9, 93 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है 1/42 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई डालेंगे, यहाँ पे 36, तो यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट ये दोनों कटेगा नहीं, किसी एक टेबल से अगर ये दोनों आता है तो उस तरह से हम लोग काट सकते हैं। वैसे 2 का टेबल से दोनों कट रहा है लेकिन हम कोई बड़ा टेबल से अगर आता है तो उसको ले सकते हैं, जैसे 6 का टेबल में दोनों आ रहा है, 6 7 = 42 और 6 6 = 36, तो 6 से लेते हैं, 6 7 = 42 और 6 6 = 36, ये कट गया। अब जो है यहाँ पे ऊपर में 6 हो जाएगा, नीचे में 7 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 6/7, अगर नीचे में छोटा रहता तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन बना सकते थे लेकिन नीचे में बड़ा है इसीलिए ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 में मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है, तो मल्टीप्लाई और ऑफ लिखा हुआ है तो दोनों सेम चीज़ ही होता है, इसीलिए इसको हम उसी तरह से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, यहाँ पे 48 हो गया इंटू
थ्री बाय एट। तो यहाँ अगर कटता है तो इसको हम लोग काट लेते हैं, तो एट का टेबल से 48 सिक्स बार में आएगा, एट सिक्स जा 48, तो यहाँ से सिक्स बार में हम काट लेते हैं इसको, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया सिक्स और थ्री, सिक्स थ्री जा 18 हो गया, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 18 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। 10 नंबर लेते हैं, 10 80 इंटू 7 बाय 10, 10 से 80 कटता है, इसको काट देते हैं 0 0, 8 बार में कटेगा, तो ये 87 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 87 जा 56 हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 लेते हैं यहाँ पे, 11 60 इंटू 8 बाय 15, तो 15 का टेबल में 60 आता है, 15 4 जा 60 होता है, ये 4 बार में कट गया, तो यहाँ 8 4 जा 32 हो गया, इसका आंसर 32 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया हुआ इसमें, 20 इंटू 2 बाई 3, तो यहाँ पे 3 से ये तो कटने वाला नहीं है, कोई भी कटने वाला नहीं है, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 40 बाय 3। इसको मिक्स फ्रैक्शन हम लोग बनाएंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा, तो क्या होगा, 3 1 जा 3 एक बार में गया, तो यहाँ पे बच गया 1, अब यहाँ पे 10 हो गया, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे 1 बचा, तो वो 1 जो है ऊपर में चला जाएगा और नीचे में जो 3 है वो 3 रहेगा। मिक्स फ्रैक्शन इस तरह से हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, 13 एंड 1 बाई 3, ये हो गया। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हो जाएगा 13, 52 इंटू 4 बाय 13, 13 का टेबल में 4 बार में 52 आता है, तो ये 4 से कट जाएगा 4, तो 4 इंटू 4 हो गया, 4 4 जा 16, ये आंसर हो जाएगा। 14 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 50 इंटू 2 बाय 5, 5 का टेबल में 50 आता ही है 10 बार में, तो ये 10 बार में ये कट गया, तो 10 मल्टीप्लाई 2, 10 टू जा 20, इसका आंसर 20 हो जाएगा। लास्ट दो क्वेश्चन बचा हुआ है, 15 और 16, तो 15 यहाँ ले लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है 40 इंटू 2 एंड 1 बाई 12, ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसको सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन देख के थोड़ा सा डिफिकल्ट किया हुआ है, यहाँ पे 40 रखते हैं और यहाँ पे रखते हैं 12 टू जा 24 हुआ, 24 और 1 25 हो गया, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 12, 12 का टेबल में डायरेक्ट ये कटने वाला नहीं है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये 2 बार में हम लेते हैं, 6 टू जा हो गया, और यहाँ इसको कितना बार में जाएगा 20, इतना छोटा हो गया, दोनों को 2 का टेबल से काट दिए हैं, उसके बाद फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, 2 3 जा, और यहाँ पे ये 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा, 10 अब इसके आगे नहीं कटने वाला है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 25 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 250 हो जाएगा बाय 3 हो जाएगा, नीचे में 3 है, इसको हम बना सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 3 8 जा 3 8 जा 24 होता है, तो 8 यहाँ ले लेते हैं, 3 8 जा 24, तो यहाँ से 24 निकल गया, यहाँ पे 1 है, तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9, 10 में से 9 निकल गया, तो 1 बच गया, ये 1 ऊपर में और नीचे में 3, ये हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया हुआ 130 इंटू 3 एंड 3 बाई 4, इसमें भी मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ एक, तो इसको करेंगे सीधा, तो 130 हम रख लेते हैं, इंटू 3 4 जा 12 हो गया, 12 और 3 15 हो गया, 15 बाई 4, 15 बाई 4, तो क्या ये 4 से कट रहा है, तो कितना बार में जाएगा, 4 3 जा 12 हो गया, तो यहाँ से 12 निकल गया तो 1 बचा, इसका मतलब ये कटने वाला नहीं है, इसको हम कुछ छोटा कर लेते हैं, जैसे कि हम 2 से काट देते हैं इसको, 2 2 जा 4 हो गया, और इसको हम 2 से काटते हैं, 2 6 जा 12, और यहाँ पे 1 बच गया, तो 2 5 जा 10 इतने बार में गया, कट गया, अब ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 65 है, 5 से कट सकता है, ये भी 5 से कट सकता है, लेकिन नीचे में 2 है, तो क्या हो जाएगा,
इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा ये लास्ट में डिफ़िकल्ट किया हुआ है, 65/15 × 15, तो यहाँ पे 5 5 25 हो गया, 2 बच गया, 2 यहाँ रख लेते हैं, और 6 5 30 30 और 2 32, और यहाँ पे एक क्रॉस लगाएंगे, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो गया और 7 और 6 3 9 हो गया, इतना बड़ा नंबर आ गया है 975, ये हो जाएगा 975/2। तो इसको बनाना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, कितने बार में जा रहा है 2, ये जो है 2 4 8 हो गया, 4 2 4 8, यहाँ पे बच गया 1, तो यहाँ पे 1 7 17 हो गया, तो 2 8 16, यहाँ 1 बच गया, तो 1 बच गया, 1 5 15 हो गया, तो 2 7 14, 2 7 14 हो गया, 15 में से 14 चला गया, तो 1 बचा, तो 1 ऊपर में जाएगा और नीचे में रहेगा 2, तो 487 and 1/2, ये आंसर हो जाएगा 16 का। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 33 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, और इसके आगे का एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।